माँ नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ बढ़िया हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। बोल बेटा क्या बात है? माँ आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी बहू ढूंढ लिया है मैंने। माँ बेटा मुझे अभी के अभी उसे देखना है। बेटा आपको उसे अभी देखना है क्या? छत पे आ जाइए। छत पे तो कोई नहीं दिख रहा है बेटा। माँ ऊपर आसमान में देखिए। अरे बेटा आसमान में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय चांद के। वो चांद ही आपकी बहू है माँ। अच्छा ऐसा क्या? नमस्ते 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 नमस्ते। बैठिए कहिए क्या बात है? मेरी लड़की की शादी है, आप सभी को न्योता देने आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, और तो और ये हमारे परिवार की शादी है, हम जरूर आएंगे। जरूर। लड़का कौन है? रिश्ते में ही है ना? जी नहीं, लव मैरिज है। तमिल। जी पिताजी। देते हुए जाइए। तुम्हारे साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम क्या हो रहा है? ये 8:10 पर क्यों रुकी है बताओ ना। नहीं मैंने ही समय को रोक के रखा है। क्यों? सारी की सारी नई घड़ियां 10:10 पे क्यों होती है बताओ? उस समय जॉन एफ कैनेडी को मारा था। वैसे ही हिरोशिमा में एक घड़ी 8:10 पे क्यों रुकी होती है बताओ? उस वक्त अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन तुमने क्यों अपनी घड़ी को 8:10 पे सेट किया है? क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हें उसी समय देखा था और उसी समय तुमसे प्यार हो गया था, और इसीलिए उस समय को मैंने चेंज नहीं किया। कादरीवन मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। कादरीवन मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। सुमन का कॉल था हॉस्टल से। अच्छा वो ठीक है? ऐसा क्या, अच्छी बात है। मैंने याद किया उसे बताया? हाँ बताया। हे सुमिया क्या हुआ, क्यों रो रहा है ये? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? अरे अरे सुमिया बताओ, रो क्यों रहे हो? अरे सुमिया क्या हुआ बोलो भी अब। दामाद जी मेरी बेटी को चोर देना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं शादी को कैसे बचाऊं। क्या करूं सिल्वा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए उसके साथ, उसकी हिम्मत कैसे हुई चलकर पूछते हैं। देखिए कैसे आ रहा है। क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? घर आए हुए मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगे क्या? यही सीखा है तुम सबने? छोड़ो बेटा, क्या बात है, क्यों मारा हमारी बेटी को, और तुम उसे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बीच? वो मुझे पसंद नहीं। ऐसे कैसे पसंद नहीं, उस दिन तो तुमने कहा था कि अगर मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम जहर खा लोगे, और आज तुम कह रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं है। उससे कोई गलती हुई है क्या? बोलो, माफी मांगे? पैसे चाहिए क्या? मांगो, देंगे। हमारी बेटी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। पूरे गांव भर में हमारी इज्जत उछाल के रख दी। छोड़ो छोड़ो, इस बात को यहीं पर खत्म करो। कान खोल कर सुनने करना, हमसे तू गद्दारी करके तुझे लगता है तू बच जाएगा? देखिए ऐसे बाहर खड़े होकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, हमारी भी कोई इज्जत है। अपनी खुद के घर की इज्जत को तो संभाल नहीं पाए आप, और समाज में अपनी इज्जत की बात करते हो। सुनो छोड़ो बेटा, इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम बताओ आखिर बात क्या थी? सब वजह कोर्ट में ही पता चल जाएगी, वहीं मिलेंगे। चलिए पिताजी। इसीलिए कहता था ये प्यार व्यार सब बेकार है,
तुमने सुना नहीं, कल के वो दूसरी शादी कर लेगा, फिर तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी का? अपनी ही बेटी का जीवन बर्बाद होगा, क्या करेगी वो बच्चे के साथ? अपनी जीत की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। चले हैं प्यार करने, आज तुम उसे सहारा देने के लिए, तुम्हारे बात क्या? इसीलिए मेरे घर में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है और ना कभी होने दूंगा। सुनो, ये जो प्यार है ना, ये हमेशा हमसे झूठ बुलवाता है, झूठे वादे करता है, झूठे सपने दिखाता है। जन्म देने वाले माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचता है ये प्यार, इसीलिए मुझे प्यार से नफरत है सुभैया, और इसीलिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और हमेशा ही रहूंगा। अच्छी जगह है ये। डर लग रहा है, बहुत दूर आ गए हैं ना? क्यों डर रही हो? ये अपनी ही धरती है, यहीं पे अपने पूर्वज थे। आओ। काजीवन, कहते हैं प्यार करने वाले एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं, बेशुमार प्यार बरसाते हैं, पर तुमने अपना प्यार का इजहार कभी नहीं किया। ए, सुनो, ये सब मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि ये सब हमेशा के लिए तो होता नहीं है। क्या? क्योंकि तुम तो मेरे लिए समुद्र की लहरों की तरह हो, जो कभी भी रुकती ही नहीं है, बस चलती रहती है। सच कह रहा हूँ। ए, चलो तो। ए। कुछ लाया हूँ। क्या है? ये एक अंगूठी है, इसमें एक हीरा लगा हुआ है। ये अभी से हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पानी की लहरों की आवाज बिल्कुल पायल की झनकार जैसी लगती है ना? नहीं तो, साधारण लहरों की आवाज ही तो है ये, कहां और पायल की झनकार कहां, कुछ भी। ए! जरा इस आसमान के नजारे तो देखो, कितना प्यारा लग रहा है। क्या बादल? अरे बादल तो सब सो चुके हैं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखता है। काजीवन, देखो ना सूरज को, बिल्कुल एक सिक्के जैसा लग रहा है ना? कुछ भी है, मुझे तो साधारण सूरज जैसा ही दिखाई दे रहा है। ए, सच बताओ, तुम्हें ये सब सुंदर नहीं लगता है क्या? ये समंदर, सूरज और ये बादल सभी बहुत सुंदर है, पर तुम जब मेरे साथ होती हो तब ये सब तुम्हारे सामने फीके पड़ जाते हैं। चलो हटो। अच्छा चलो हटो। मेरी जान से ज्यादा प्यारी। शादी की साड़ी लाया पहनोगे क्या? मुझे तुम अच्छे लगे और उसे सच लगे, तूने दिल जी
चमकती है जैसे ही जाने मन मैं तो छूता हूँ तुझे मेरी जान मेरे हो तुम ही हो मेरा जहां मेरी जान मेरे हो तुम ही हो मेरा जहां मैं प्यार करके अपनी सांसों में भर के शादी की साड़ी लाया बनोगे क्या मुझे तुम अच्छे लगे और उसे सच्चे लगे तूने दिल जीत लिया पास आओगे क्या खुशबू तेरे बातों का जादू हर एक ख्वाब में तू ही तू ही दिल की है आरज़ू